नमस्कार, मेरा नाम आशा कुमारी है। मैं जेवटी के पद पर राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला फागली में कार्यरत हूँ। मीडिया में जिस तरह से मेरा नाम उछाला गया है और जिस तरह से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई गई है और जिस तरह से मेरी पाठशाला का नाम बदनाम हुआ है, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक अध्यापक होते हुए मेरी इतनी बेइज्जती एक पूर्व प्रधान द्वारा, जो हमेशा मानसिक रूप से सभी अध्यापिकाओं को, बच्चों को प्रताड़ित करता रहता है, जब से उसे प्रधान के पद से निलंबित किया गया है, नई एसएमसी कमेटी बनी है, तब से सभी पाठशाला के कर्मचारियों को एसएमसी प्रधान द्वारा नित नई नई समस्याओं को लेकर स्कूल प्रबंधन को, सभी को इतना उलझा रखा है। अब बच्चे को मारने की बात के बारे में बताऊं मैं, तो मैंने बच्चे को कल नहीं पीटा, मैंने बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया। और जिस प्रकार से मीडिया में उछाला गया कि एक अध्यापिका ने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को प्रताड़ित किया, मुझे मीडिया वालों से बहुत रोष है इस बात का कि उन्होंने मुझ तक इस बात के बारे में पूछा नहीं मुझे, और न मुझसे कोई सवाल जवाब किया और सीधा मीडिया में मेरा नाम उछाल दिया। पाठशाला प्रबंधन से पूछा जाए, पाठशाला कर्मचारी से पूछा जाए, पाठशाला परिसर में आके तथ्यों को इकट्ठा करके फिर आप मेरे बारे में कोई राय देते तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता। इस तरह से एक अध्यापक के नाम को कलंकित करना मीडिया द्वारा और एक पूर्व एसएमसी प्रधान द्वारा, जिनकी अश्लील वीडियो की वजह से उनका फोन अर्की पुलिस स्टेशन में जब्त हुआ है, जिनकी अश्लील बातों से हमारे एमडीएम कर्मचारी आहत हुए हैं, जिनके नित ने बच्चों के ऊपर मारने के आरोप लगाने के कारण मुझे प्रताड़ना हुई है, मेरे स्टाफ को, मेरे सीएसटी मैडम को, मेरी सहयोगी अध्यापिका को तंग किया जा रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं अपने संबंध में यही कहना चाहती हूँ कि मैंने बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया है। मैं अपना ऑफिस का वर्क करने के लिए ऑफिस में बैठी हुई थी और अर्ध अवकाश के समय बच्चा कक्षा परिसर में खेल रहा था, वहीं पे ये थोड़ा सा गिरा है, फिसला है, जो भी हुआ बच्चों के द्वारा मुझे पता चला, बच्चों ने ही देखा था मुझे, तो इस संबंध में बाद में जब मैं कक्षा में गई तब मुझे बच्चों ने बताया। धन्यवाद।